हाय एवरीवन, सो बिहार स्पेशल की जो वीडियो चल रही है ना, उसमें ये हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार है उसका ये आखिरी वीडियो है, क्योंकि अभी इसके पीछे हमने बहुत सारे इवेंट देख लिया है जो नेशनल लेवल पे हो रहे थे और वो बिहार में भी हुए हैं। उसमें कौन कौन से पार्टी फॉर्म हुआ, कौन कौन से लीडर इन्वॉल्व थे, क्या क्या उनका मेन रोल रहा, वो सब हमने देखा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 1942 के बाद क्या हुआ और फिर 1947 में जब देश आज़ाद हो जाता है तो फिर क्या हुआ। इसके बाद सिंपली एक वीडियो और आएगी, वो हमारा होगा कि जब 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह होता है ना हमारा बिहार में, तो वो सक्सेसफुल रहता है और एक लैंडमार्क हिस्ट्री होता है, ना सिर्फ बिहार के लिए बल्कि इंडिया लेवल के लिए भी। तो उस सक्सेस के कारण होता क्या है कि बहुत सारे जो किसान या पीजेंट्स थे ना सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार के बाहर इंडिया में, वहाँ उनको मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत मिलता है। और उसी चंपारण सत्याग्रह के मोटिवेशन से उनको हिम्मत मिलने के कारण अलग अलग जगह पे पीजेंट्स मूवमेंट होते हैं, कहीं पार्टी बनता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बन रहा है, जैसे कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में किसान सभा बनेगा, प्रोविंशियल किसान सभा बनेगा, है ना। फिर उसके बाद बिहार के बाहर यूपी में देखेंगे तो वहाँ पे किसान सभा, फिर वहाँ पे इक्का मूवमेंट होगा 1921 में। इसके बाद जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे ना, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आता है कि हमारा भी अधिकार को सुना जाएगा, तो फिर इंडस्ट्रियल मूवमेंट होता है। मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो होते हैं वो अपने एसोसिएशंस बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। उसके बाद जो हमारे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे ना, वो भी अपना एक विचारधारा को लेकर कुछ पार्टी बनाते हैं, जैसे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी हो गया, उसके लीडर कौन कौन हो, ये सब हमारे पूछता है एग्ज़ाम में। फिर होता है कि इसी बेसिस पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थे ना, उन्होंने भी कुछ पार्टी फॉर्म किया था, तो वो पार्टी कौन कौन था बिहार में, ये सब चीज़ें वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेपरेटली, क्योंकि वो सब ना 1917 के बाद और 1947 तक वो पैरेलली वो सब भी चल रहे हैं, तो मिक्स ना हो जाए इसलिए मैं उसको लास्ट में बनाऊंगा अगले वीडियो। तो फाइनली फॉर्मली हमारा ये लास्ट वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार के लिए। तो पिछले वीडियो में क्या देखा था हमने, 1942 तक हमने देख लिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट तक। इसके बाद क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट में देखिए, वो हमारा जो मूवमेंट था ना, वो बिहार लेवल पर भी होता है, इंडिया लेवल पर भी होता है, तो हमारा कुछ उसमें इवेंट होता है और वो बंद हो जाता है, मूवमेंट स्लो हो जाता है। और उसी बीच कांग्रेस और मुस्लिम लीग में ना बहुत सारे खटास और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लाहौर सेशन जब हुआ था ना लाहौर में मुस्लिम लीग का, तो उन्होंने पाकिस्तान रिजोल्यूशन को पास किया था और डिमांड किया था कि मुस्लिम्स आर नॉट ए माइनॉरिटी बट ए नेशन। तो उसके तर्ज पे उन्होंने सेपरेट होमलैंड की बात कही थी, सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स। अब वो उस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो अलग अलग जगहों पे कांग्रेस को वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। तो 1942 जब क्विट इंडिया मूवमेंट जब आगे बढ़ता है और वो फिनिश होता है, मतलब स्लो डाउन होकर ख़त्म हो जाता है, तो बहुत सारे लीडर थे ना, उन्होंने कोशिश किया कि चलो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मिला लिया जाए फिर से, क्योंकि अब जो है ना पार्टीशन की बात बहुत ही स्ट्रांगली मुस्लिम लीग आगे रख रहे थे और सब लीडर को डर था कि कहीं पार्टीशन ना हो जाए। तो पार्टीशन को रोकने के लिए अलग अलग लीडर्स प्रयास करते हैं नेशनल लेवल पर। तो वो कौन कौन थे, जैसे CR फॉर्मूला आता है, यानी कि CR प्लान आता है सी राजगोपालाचारी के द्वारा, वो मुस्लिम लीग को बोलते हैं कि भैया कांग्रेस का बात मान जाओ, और कांग्रेस को बोलते हैं भैया मुस्लिम लीग का कुछ बात मानो। हालांकि वो प्लान फेल हो जाता है 1944 में। फिर देसाई लियाकत पैक्ट आता है, जिसमें उन्होंने फिर मुस्लिम लीग को कन्विंस करते हैं कि ऐसा है कि चलो 20% सीट जो है ना वो मुस्लिम्स के लिए हम रिजर्व कर रहे हैं, ले लो वो, लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं। वो देसाई लियाकत पैक्ट था ना, लियाकत अली और देसाई के बाद मुल्ला भाई देसाई के बीच में जो होता है पैक्ट, वो भी फेल हो जाता है। करें क्या, सवाल ही मतलब कोई मानने को तैयार ही नहीं है, तो करें क्या। तो वो आगे आगे फिर बढ़ता इवेंट। उसी के बाद हमारा इवेंट आता है, वो आता है 1945-46 का इलेक्शन। तो इस इलेक्शन में क्या होता है कि बेसिकली कहा जाता है कि सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन होगा और प्रोविंसेस लेवल पे इलेक्शन होगा। तो जब सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन होता है ना, तो कांग्रेस को मिलता है मेजोरिटी सीट मिलता है। तो वो कौन कौन से, देखिए जब सेंट्रल लेवल पे कांग्रेस लड़ता है तो टोटल 102 सीटों पे लड़ता है, और कांग्रेस कितना जीतता है उस पर, 57 पे जीतता है। तो ये सिंपली एक फैक्ट याद रखिए कि जब इलेक्शन होता है इस टाइम पे ना 1945-46 में, तो कांग्रेस 102 सीटों पे लड़ता है और 57 सीट पे जीत हासिल करता है। और इसी में से जो टोटल सीट जीता है ना, तो बिहार के लिए भी 10 सीट अलॉट था। जस्ट लाइक अभी मान लीजिए कि सेंट्रल लेवल का इलेक्शन हो रहा है, बिहार में लोकसभा सीट 40 है, तो 40 सीट मान लीजिए उस अभी है ना, तो उस समय कितना सीट था, यहाँ पे 10 सीट जो सेंट्रल लेवल पे चल रहा है, तो बिहार को 10 सीट मिला था और 10 में से 6 सीट जो है ना वो कांग्रेस जीता था, कहाँ पे, सेंट्रल लेवल पे।
ये बात हुआ सेंट्रल लेवल का। इसके बाद जो है ना वो आता है हमारा प्रोविंसेस लेवल पे, यानी कि प्रोविंस यानी कि अलग अलग प्रोविंस थे ना हमारे यहाँ, जैसे कि यूनाइटेड प्रोविंस हो गए, सेंट्रल प्रोविंस हो गए, फिर बिरार हो गया, नीचे साउथ में हैदराबाद हो गया, मद्रास हो गया, वैसे ही बिहार भी था। तो जब सेंट्रल के बाद बिहार की आती है बात, तो बिहार में भी चुनाव होता है। अब बिहार में चुनाव होता है तो टोटल जो है ना कांग्रेस वो लड़ता है आपको 152 सीट पर, यहाँ पर याद रखिएगा ये नंबर आपको याद रखने हैं, 152 सीट पर लड़ता है और अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। तो उसमें कांग्रेस को मिलता है 98 सीट और बाकियों को मिलता है, जैसे मुस्लिम लीग को 34 हो गया, इंडिपेंडेंट जिसको निर्दलीय बोलते हैं वो 12 हो गया, मोमेंट्स को 5 और आदिवासियों को 3, ये हो गया। लेकिन एज ए होल कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीट मिलता है, यानी कि वो मेजोरिटी में होते हैं। तो होता क्या है कि सरकार बनती है कांग्रेस की 1946 बिहार में। इस 1946 मार्च 1946 में इलेक्शन के बाद बिहार सरकार बन गया। और इसी वक्त नेशनल लेवल पे क्या होता है, नेशनल लेवल पे जो हमारे है ना क्लीमेंट एटली वो कैबिनेट मिशन बनाते हैं, एक मिशन बुलाते हैं कैबिनेट मिशन, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स को बुला के कि भैया देखो क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे हमको ट्रांसफ़र करना है डोमिनियन स्टेटस और कैसे कैसे चीज़ें होंगी इंडिया के लिए। ठीक है, तो फिलहाल हम देखते हैं पहले एक पार्ट कि 1946 में क्या हो रहा था, फिर देखेंगे कैबिनेट मिशन। तो देखिए जब कांग्रेस 98 सीट ले आता है यानी कि मेजोरिटी हो गया ना, तो मेजोरिटी हो गया तो सरकार बनता है। अब इस सरकार में श्री कृष्ण सिन्हा जो है ना वो सीएम बनते हैं। तो याद रखिएगा 1946 में फिर से ये हमारे बनते हैं श्री कृष्ण सिन्हा सीएम। इसके पहले 1937 में जो इलेक्शन हुआ था ना वहाँ भी ये बने थे, फिर रिज़ाइन किए, फिर बने, ऐसे चलता गया और फिर फाइनली 1946 में इलेक्शन में ये बनते हैं, सिन्हा साहब सीएम बनते हैं। और इस 1946 इलेक्शन में चार लोगों को और शपथ दिलाया जाता है ओथ, वो कौन कौन थे याद रखिएगा, इसमें चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हो गए हमारे श्री कृष्ण सिन्हा, दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह, तीसरे हो गए सैयद महमूद और चौथे हो गए जगलाल चौधरी। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको उस समय तक क्या था कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बहुत सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था, तो इनको स्पेशली जेल से बाहर निकाला गया था और फिर ये ओथ लेने के शपथ लिए थे। तो याद रखिएगा ये चार लीडर और स्पेशली जगलाल चौधरी को जेल से निकाल कर ओथ दिलाया गया था। क्लियर है यहाँ तक? ये जब इवेंट हो गया ना तो साइमल्टेनियसली मार्च में नेशनल लेवल पर क्या हो रहा था, कैबिनेट मिशन का फॉर्मेशन हुआ था। वो कैबिनेट मिशन में तीन मेंबर याद रखिएगा, एक थे पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर और हमारा स्टफर्ड क्रिप्स, ये तीन मेंबर ये कैबिनेट मिशन में आपको याद रखना है। तो ये जो मिशन आया था ना ये कुछ रिकमेंडेशन दिया था इंडियन गवर्नमेंट को, यानी कि उस समय के लीडर्स को और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि क्या करना है। तो उनके रिकमेंडेशन के मुताबिक एक यूनियन ऑफ इंडिया होगा, जैसे कि हमारा जब आज़ादी होगा ना उस वक्त इंडियन ऑफ जो यूनियन ऑफ इंडिया होगा उसमें ब्रिटिश इंडिया होगा, प्रिंसली स्टेट्स होंगे, यानी कि ऐसा स्टेट जहाँ पे ब्रिटिश जो है उनके गवर्नर्स हैं, ब्रिटिश रूल कर रहा है, उनको डोमिनेंस कर रहा है। और एक हमारा प्रिंसली स्टेट्स हो गया जहाँ पे राजा रजवाड़ा अपना वो शासन चला रहे हैं लेकिन ब्रिटिश पैरामेंटोसी को मान लिए हैं। तो वो तरीके से हमारा ये हो गया। ठीक है, उसके बाद कहता है कि हम ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंस करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारा हिंदू मेजोरिटी एरिया हो गया, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया हो गया, तो वैसे ही हम ग्रुपिंग करेंगे प्रोविंस का। ये सब इसका प्लान, इस मिशन में बातें कही गई थी। और ये कहा गया था कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेंगे। तो ये जब हो गया ये तीनों ना, तो इसमें से कांग्रेस बहुत सारी बातों को माना, इनिशियली मुस्लिम लीग भी मानता है लेकिन बाद में मुस्लिम लीग इस कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट कर देता है, नहीं मानता है। ठीक है, नहीं मानने के कारण 16 अगस्त को उसने बोलता है डायरेक्ट एक्शन डे, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की ही बात होगी और कुछ बात नहीं होगी। तो ये आपको याद रखना है 1946 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे किसने कहा था, तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा कहा गया था। कब कहा गया था, कैबिनेट मिशन के दौरान। इसके बाद क्या होता है, इस कैबिनेट मिशन में जो कहा गया ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा, तो इसी के यही जो इसमें रिकमेंडेशन था ना, इसी के बेसिस पे हमारा जो है ना जून 1946 में इलेक्शन होता है, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। देखिए इसमें क्या है कि जितने प्रोविंसेस हैं ना सारे प्रोविंसेस में उस समय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेसिस पे इलेक्शन करवाया गया, मतलब वहाँ से नॉमिनेशन भेजा गया था कि लोग आएँ अलग अलग प्रोविंसेस से और उसमें सेलेक्ट करके एक हम असेंबली बनाएंगे। तो उसी में से जब हमें ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्रोविंसेस में इलेक्शन होना था ना, तो उस समय बिहार से भी कुछ लोगों को नॉमिनेट किया गया था। तो ये आपको नॉमिनेशन याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है और मल्टीपल लीडर्स भी आपको याद रखने हैं।
कई बार ई ऑप्शन फंसा देगा। तो देखिए बिहार से किनको किनको नॉमिनेट किया गया था, राजेंद्र प्रसाद हो गए, श्री कृष्ण सिन्हा हो गए, उसके वासुदेव नारायण सिन्हा हो गए, जगजीवन राम हो गए, अनुग्रह नारायण सिंह हो गए, फिर दीप नारायण सिंह हो गए, और भी हैं, श्रीमती नायडू हो गई, अब्दुल कयूम अंसारी हो गए, ये सारे लीडर्स जो है ना इनको नॉमिनेट किया गया था इस इलेक्शन के लिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। ठीक है, जब जून में ये सब हो जाता है तो फाइनली जो है ना, अब यहाँ तीन इट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, एक नवंबर 1946, एक दिसंबर, 9 दिसंबर 1946 और एक 13 दिसंबर। तो नवंबर 1946 को ये असेंबली बन जाता है। बनने के बाद ये असेंबली जो है ना अपना पहला मीटिंग करता है, फर्स्ट मीटिंग करता है वो। उस मीटिंग में क्या होता है कि हमारे सच्चिदानंद सिन्हा को एक टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट बना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सीनियर और बुजुर्ग लीडर उस समय हो चुके थे। तो टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट बना जाता है किनको, 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो नॉमिनेशन किया था ना यहाँ पे, इन्हीं में से इनको बना दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है ना 13 दिसंबर को फिर से एक मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब इस असेंबली में क्या होता है कि राजेंद्र प्रसाद जो है ना वो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन याद रखिएगा, अब यही जो है ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन फिलहाल आगे आगे जाके जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है 1950 में, तो यही जो हमारा ना प्रियम्बल बनता है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बनता है प्रियम्बल। तो पूछता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है ना वो हमारा प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट को रिफ्लेक्ट करता है, तो वो करता है प्रियम्बल को। और किसके द्वारा पास किया गया था, जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें देखिए 9 दिसंबर को जो मीटिंग हुआ था ना उसमें सच्चिदानंद सिन्हा थे प्रेसिडेंट टेम्प्रोरी, और जब 13 तारीख को होता है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये होते हैं प्रेसिडेंट। याद रखी गई चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लीडर बिहार के हैं। ठीक है, और इसी में से ये जो कमेटी बनता है ना, तो ये फिर एक आपको स्टीयरिंग कमेटी बनाता है, स्टीयरिंग कमेटी, तो उसके भी और अलग अलग कमेटीज़ बनाता है, तो उसमें से भी हम देखेंगे राजेंद्र प्रसाद का बहुत बड़ा रोल होता है, अलग अलग कमेटी के हेड बनते हैं ये। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये सारा इवेंट हो रहा था, फिर हमारा आते हैं कौन, तो लॉर्ड माउंटबेटन हमारे गवर्नर जनरल, वो बेचारे आते हैं और एक 3 जून को एक प्लान लाते हैं जिसको बोलते हैं लॉर्ड माउंटबेटन प्लान कहते हैं। इस प्लान के तहत फाइनली हम कहते हैं कि पार्टीशन जो है ना वो एक पार्टीशन, मतलब पार्टीशन का एक फॉर्मूला वो लगभग लगभग तैयार करके ही आए थे कि अब अगर इंडिया बढ़ता है तो इस तरीके से बढ़ेगा, लेकिन फिर भी इनका प्लान यही था कि मैक्सिमम यूनिटी को बरकरार रखा जाए, क्योंकि इनके संबंध जेल नेहरू से अच्छे थे और सरदार पटेल से भी, तो उनके कहने पे मैक्सिमम यूनिटी को कैसे बचा कर रखा जाए, सारे रियासत अलग अलग ना हो जाए, उनको कोशिश किया था इन्होंने भी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस माउंटबेटन प्लान में कहा गया था कि जो प्रिंसली स्टेट है ना, जैसे पंजाब और बंगाल, तो यहाँ है पंजाब और यहाँ है बंगाल, ये दोनों जो है ना वो वहाँ के जो प्रोविंशियल लीडर्स हैं वो डिसाइड करें कि इंडिया में मिलना है कि पाकिस्तान में मिलना है। दूसरा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है ना, ये वाला प्लस सिलहेट एक जगह है बंगाल में, उस समय तो बांग्लादेश भी था ना, तो सिलहेट, इन दोनों जगह पे रेफरेंडम होगा कि क्या करना है उनको, वहाँ के लोगों के द्वारा होगा। ठीक है, फिर बोला गया कि अगर पार्टीशन होता है तो उस केस में 2 नेशन बनेंगे और 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा। ठीक है, ये सब सारे बात यहाँ पे कही गई, और फाइनली जो आता है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, उस एक्ट के तहत हमारा भारत आज़ाद हो जाता है। जैसे ही आज़ाद होता है तो हमारा क्या होता है, 1950 तक यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही चलता है। ठीक है ना, 1951-52 में पहला इलेक्शन होता है, तब तक बिहार में क्या हुआ था, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन चुका था, तो उस समय श्री कृष्ण सिन्हा जो है ना वो बनते हैं बिहार के सीएम, और जयराम दास दौलत राम बनते हैं पहले गवर्नर, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो है ना वो मार्टियस मेमोरियल का फॉर्मेशन, मतलब एक फाउंडेशन देते हैं कहाँ पे, पटना सेक्रेटेरिएट में, जयराम दास दौलत राम। अब ये क्या किया इन्होंने, क्यों किया है, क्योंकि हमने देखा है कि 11 अगस्त 1942 जिस समय जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना वो पटना सेक्रेटेरिएट में जाते हैं झंडा फहराने, नेशनल फ्लैग को होस्ट करने, तो उसी समय WG आर्चर जो है ना वहाँ का DM वो गोली चलवाता है और 7 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना वो शहीद हो जाते हैं, तो उन्हीं की याद में ये मार्टियस मेमोरियल बनता है पटना सेक्रेटेरिएट में। तो इस तरीके से हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस तक बिहार की स्टोरी पूरी कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा वही जो मैंने बताया है आपको, 1917 से आगे कैसे बढ़ रहा है हमारा, बहुत सारे पीजेंट मूवमेंट्स हो गए, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी हो गए, ये सब चीज़ें।
और उसके बाद हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी, जो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिहार के लिए, और मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तब तक कुछ डाउट हो तो बताइएगा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।